मैंने कहा ये जमा मजमा जो इतना जमा हुआ है ये क्यों जमा हुआ है, हम क्या कोई यहाँ पर नौटंकी करने आए? नहीं, झारखंड में हम अपने झंडे को गाड़ने आए हैं। झारखंड की आवाम में, झारखंड के आदिवासी भाइयों बहनों में, दलित भाइयों और बहनों में, ईसाई भाइयों और बहनों में, गैर मुसलमानों के दिलों में, सेकुलरिज्म पर अटूट यकीन करने वालों में हम अपना भरोसा कायम करने आए हैं। मैं पहली मर्तबा आया हूँ, ये आखिरी मर्तबा नहीं साबित होगा इंशाअल्लाह। मैं आप तमाम से कह रहा हूँ कि अल्लाह जब तक मुझे हयात देगा, जब तक मेरी जिंदगी वफा करती रहेगी, मैं तुम्हारे दरमियान में आता रहूंगा। मुझे तुम्हारी ये मोहब्बत देखकर हिंदुस्तान के वजीर आजम देखो, उन ऊंची पहाड़ियों पर खड़े होकर, उन चट्टान पहाड़ियों पर खड़े होकर एक दीवाने की आवाज को सुनने जब लोग आते हैं, तो जब दीवाना होता है तो दीवाने और अकलमंद में फर्क यह होता है कि अकलमंद डरता है और दीवाना किसी से नहीं डरता सिवाय अल्लाह। मेरी मोहब्बत क्या है? भारत है। मेरी दीवानगी का राज क्या है? कि हिंदुस्तान का संविधान है। मैं उसको लेकर आप तमाम के लिए हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, ताकि हम तमाम मुजलमीन को इन जालिमों से छुटकारा मिल सके। अरे इसकी उस मक्कारी को निकाल कर फेंक दोगे तो यकीन जानो इंसाफ शुरू होना यहाँ से, इस गांधी मैदान से शुरू हो जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहीं पर इसी सरजमीन पर जहां पर मुझे आने का मौका मिला, मैं कैसे रुक जाइए वरना आप नारे मारिए मैं बैठ जाऊं, सुनिए। मैं सरजमीन पर आया हूं और बगैर अपनी बात खत्म करे मैं ये जरूरी समझता हूं, अपना अखलाकी फरीजा समझता हूं कि सन 57 की जंग आजादी में उन मुजाहिद का जिक्र करूं जिन्होंने झारखंड और हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपनी कुर्बानियों को पेश किया, वो हजरत शेख बिखारी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र है।